हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ एक मोटिवेशनल वीडियो आपके सामने। वो सही या मैं सही, वो सही या मैं सही, दोनों के बीच में एक गुत्थी ये उलझी हुई, गुत्थी ये उलझी हुई। जब बात दो जनों की दो के बीच में होती है तो वो बात वहीं पर ही खत्म हो जाती है या स्टॉप हो जाती है। जब दो से चार होते हैं, चार से सौ होते हैं, तो बात भी एक पतंग बन जाती है और वो उड़ती जाती है, वो किसी के हाथ में नहीं रहती। वो सही या मैं सही या वो सही, बात ये उलझी हुई। ऐसे करते करते एक सभा इकट्ठी हो गई। दृष्टिकोण उसका देखें तो वो भी बिल्कुल सही है, दृष्टिकोण मेरा देखें तो मैं भी बिल्कुल सही हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? बात है ये अटपटी, बात है ये अटपटी लेकिन बहुत है चटपटी, बात है ये अटपटी लेकिन बहुत है चटपटी। चलो देखते चलो क्या होगा आगे। सभी वो बोलता है मैं सही, हो सकता है दोनों सही हो, ऐसा हो सकता है नहीं, क्योंकि दोनों सही हैं ये भी हो सकता है और दोनों गलत हैं ये भी हो सकता है। जब तक कोई कुछ बात उनकी भी है गलत, कुछ बात हमारी भी है गलत, जब दोनों लोग ये मानते हैं, जब दोनों लोग ये मानते हैं कि कुछ बात मेरी भी है रोंग, कुछ बात उनकी भी है रोंग, कुछ गलतियां हैं मेरी भी, कुछ गलतियां हैं उनकी भी, तो मन में एक जैन धर्म में बताया जाता है कि दृष्टिकोण, दृष्टिकोण से देखें तो एक मतलब सेटिंग हो जाती है, समझौता भी हो जाता है और सब मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है। पर वो कहे मैं ही सही, वो कहे मैं ही सही, और बात जैसी माँ और बेटी होती हैं, झगड़ा होता मिनट में एक हो जाती हैं, माँ और बेटी होती हैं, झगड़ा होते ही एक हो जाती हैं, लेकिन बात अगर हो किसी और की तो एक बिल्कुल भी नहीं होती है। वो कहते हैं मैं सही और वो कहते हैं मैं सही, एक गुत्थी हमेशा उलझी ही रह जाती है। दृष्टिकोण बदल कर अपने आप को उनकी जगह और उनको अपनी जगह लाकर जब दृष्टिकोण ये बदल जाता है तो बात सभी सभी संभल जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये मेरी खुद की एक रचना है, खुद की अनुभव से मैं आपको बता रही हूँ। हम भी सही, दूसरा भी है सही, कहीं कहीं हम गलत तो कहीं कहीं है वो भी गलत। तो थाली एक हाथ से कभी बजती नहीं, दोनों हाथों से ही हम क्लैप करते हैं। जय जिनेंद्र।